गाइस वेरी गुड मॉर्निंग. आज है 6th of April एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग. आज है यहाँ पे थर्ड डे बोल सकते हो. ये है एक कॉरिडोर, ठीक है, वहाँ से रूम जाता है. यहाँ पे एक बैल्कनी टाइप का है, मतलब बैल्कनी नहीं, काइंड ऑफ विंडो है और विंडो के बाहर मतलब ट्री थोड़ा दिख रहा है. तो अभी मैं सुबह हो गया, 8 बज रहे हैं सुबह के, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ नीचे. तो यहाँ का वाइब और इतना क्लीन है ना, देख सकते हो, अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी. एंड नाइस वेदर, नाइस एनवायरनमेंट, वेदर बहुत अच्छा है, ठीक है. तो नीचे जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी टाइम क्रॉस हो गया, 7:30 का था. ये डाइनिंग हॉल के सामने यहाँ पे एक विंडो है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है यहाँ से, अच्छा लग रहा है. तो मैं पूरी सब्जी खा रही हूँ अभी, अच्छा लग रहा है. पूरी सब्जी नहीं, पूरी छोला है, मतलब छोले भटूरे. हाँ हाँ हाँ, नहीं पूरी छोले, हम लोग तो लूची कहते हैं, लूची. टेस्टी है, लेकिन बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं लोग. घर ही है, वहाँ पर 5 बज रहे हैं, देखो 5 नहीं बज रहे हैं अभी, लेकिन राइट टाइम है आपका, 8 बज गया ऑलरेडी. लंच डन, चिकन था बहुत टेस्टी. एंड ये जो जीसस जी है ना, ऐसे हाथ खोल के वो करते हैं, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लग रहा है वेलकम कर रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा लगता है. तो अभी थोड़ा सा नीचे जा रही हूँ मैं, ऐसे ही टहलने, नॉट टहलने एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना. थोड़ा थोड़ा अभी वार्म अप हो गया, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से ना गर्मी लग रहा है, एकदम ह्यूमिड लग रहा है नज़ारा, लेकिन अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आप सबको. तो ये है नज़ारा यहाँ का, एक बिल्डिंग है सामने, बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में. यहाँ पे एक फ्लावर है, आई शो, यहाँ पे कुछ लोग हैं तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वहाँ उधर जाने के लिए, लेकिन मैं आप सबको कुछ, ये प्लांट्स मुझे देखने थे, कल ही देखने थे, लेकिन कल मैं देख नहीं पाई. क्या प्लांट्स है आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता. आई थिंक वो रेड रेड वाली लीव्स निकलती है ना, वैसी वाली प्लांट है ये. तो यहाँ पे कुछ बाइक पार्क किए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग हैं यहाँ. ऑर्बिट की च्युइंगम मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार ख़रीदा है, तो 5 रुपये में ना टेबलेट जैसे 4 देता है, आई थिंक एक ऐसे ना खोल के खाना है. तो मैं टेबलेट जैसा इसको खोल के कैरम गेम खेल रहे हैं. और ब्लैक कुंडा व्हाइट ना एक रही है कैरम मैच. एंड हम लोग अभी कहीं पे जा रहे हैं, मुझे भी जाने को मिला मौका मिला आई डोंट नो जाने को मिलेगा कि नहीं. अब लोग मेरे को लेके जाएगा, मतलब मेरे को साथ में जाऊंगी, कहाँ क्या मुझे भी नहीं पता इतना, लेकिन देखते हैं क्या होता है उसके बाद. अभी बज रहे करीबन 6:30, एक कप कॉफ़ी पे, वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना उस टाइम. थोड़ा अभी निकले हैं इधर टहलने के लिए, टहलते पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन बस फॉलो कर रही हूँ मैं इन लोगों को, देखते हैं फिर क्या करते हैं. पूरा दिन हैक्टिक गया. और यहाँ पे तामुल खाने के लिए रुक गए. गूगल पे, वी एक्सेप्ट गूगल पे गाइस. तो ये वाला जगह जो है उल्लूबाड़ी है, और उस तरफ से निकलने से वो ब्रिज मिलता है, फिर उधर आप भांगाघर वगैरह पोर्टल बाजार जा सकते हो. तो गुवाहाटी मुझे थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं. वाओ नाइस साइकिल मैन, आई एम रियली मिसिंग माई साइकिल, मुझे अपनी साइकिल बहुत याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि साइकिल चला. क्या क्या है पता नहीं, बोर लग रहा है रे मेरे को तो, बहुत बोरिंग फीलिंग आ रही है. यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, और इस हनुमान मंदिर के एकदम ये जो गली जा रहा है ना, वो जो कार जिस तरफ घुसा उस तरफ है हमारा स्टे, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे सुंदर सा एकदम फ्लैट है, अच्छा लगता है कहने के सही से. तो यहाँ पे इस तरफ एक फर्नीचर का, रॉयल फर्नीचर, मुझे तो लग रहा है कि अंदर जाके देखो, लेकिन सच में बहुत बोरिंग सा फीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों. तो माँ की दाओ यार जल्दी. वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स, गुवाहाटी में ना वो वाइब नहीं लगता मुझे आजकल, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मतलब मन से ना वो बोरिंग लगता है, बहुत ही बोरिंग लगता है, पता नहीं क्यों बहुत बोरिंग लगता है. मुझे तो मन कर रहा है कि अभी थोड़े यहाँ पे जाऊँ. बांगागढ़ जाने को बहुत मन कर रहा था, रुद्राक्ष मॉल वगैरह, बिग बाज़ार एंड ऑल, क्योंकि बीहू का कलेक्शन, बीहू शॉपिंग मुझे देखना था थोड़ा, लेकिन पता नहीं. तो ये रास्ता है जिस तरफ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है. मैं अपने कलीग्स के साथ थोड़ा निकली हूँ, और रास्ते में थोड़ा टहलने के लिए
बाकी यहाँ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है रॉयल फर्नीचर में। ओह डॉगी डॉगी डॉगी। तो मुझे एक्चुअली ऐसे लाइट्स और ये सब पत्ते बहुत पसंद है। तो ये वाला क्या है, यहाँ पे भी सब कुछ सेम सेम था। मुझे क्यों बोरिंग वाली फीलिंग आ रही है मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो, आई एम मिसिंग द पीस ऑफ माय लाइफ, ऐसा लग रहा है पीस मिस कर रहे हैं। और पता नहीं, आप सब तो एंजॉय कर ही रहे होगा। एनीवे नेगेटिव कब बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी जो मन में था तो बोल दिया। और यहाँ पे अभी आई हूँ 3 दिन 4 दिन। वो इतने एक्चुअली ना इतना ट्रैवल ना कभी कभार बोर हो जाते हैं। एनीवे तो गुवाहाटी आई हूँ, थोड़ा सा घूमने निकले हैं पैदल ऐसे ही वॉक करने के लिए। अब ये घर सब कितना सुंदर है ना, घर सब वाह बहुत अच्छा लगता है देखने में, रियल में देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ साउथ गुवाहाटी ब्रांच SBI। और ये शायद एक सब्जी बाज़ार है। तो चलो आप लोग को सब्जी बाज़ार ही दिखाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इंटरेस्ट मतलब बोर में इसको दूर करते हैं। करेला सजना स्क्वाश सब कुछ है, क्या चाहिए बताओ। वाह कलरफुल क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिकम्स बैंगन, कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है सब्जी बाज़ार को, गुवाहाटी का सब्जी मछली बाज़ार। फिर फ्रेश लग रहा है ना ये सब, देखने में तो काफ़ी फ्रेश है। ये बैंगन देखने में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलरफुल, सी हाउ प्रिटी इट इज़। ओ यहाँ पे तो मुर्गी अंडा, मैं अभी बोके कर दूँगी, ये जगह पास हो जाओ प्लीज़, आई कांट। वो इतना बड़ा मछली बाज़ार मैंने कभी गुवाहाटी में से मछली बाज़ार नहीं देखा। ये क्या ये सब कैसा अंडा है, ये यहाँ पे वो लगा हुआ है टैग, इरुकी अंडा टैग लोगों से देखो मछली बाज़ार गाइस। हम लोग को पता भी नहीं हम लोग जा कहाँ रहे हैं, बस ऐसे ही जिधर जाते रह रहे, मतलब जाते रह रहे, वॉक करते रह रहे, वॉक ही कर रहे हैं। तो ठोक मत देना रे गाइस, डर ही लगता है। बॉयलर मांस। हाय टॉमी हाय, बापरे बाप ये सब नहीं दिखाऊंगी मैं, किसी को कंफर्टेबल नहीं भी फील हो सकता है, सॉरी गाइस। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए सो सॉरी, लेकिन रास्ते में आ ही जाते हैं। आज बूढ़ी दादी का दुकान, और यहाँ पे फिर से ये सब, और देखते हैं फिर आगे क्या मिलता है। यहाँ पे भी आलू प्याज सब है। फिर यहाँ पे भी आलू प्याज, इसको क्या हो गया, मैथमेटिक्स ओपन यूनिवर्सिटी। मुझे पर्सनली ऐसा जो टैग लगा हुआ टी शर्ट्स है ना, वो स्पेसिफिक इवेंट के लिए पहनो, या फिर स्पेसिफिक जैसे कि कॉलेज का कोई टी शर्ट वगैरह हो, जैसे कि मेरा TISS का टी शर्ट है, उसको ना मैं एज अ टी शर्ट पहनूंगी ही नहीं कभी, क्योंकि वो उसमें वो टैग है टीस का, तो मैं उसको उसी काम में सब कुछ पहनूंगी, उसके बाद तो मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि वो टी शर्ट नहीं होता है सिर्फ, उसमें एक लेबल, उसमें एक टैग होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। और अभी पता करते हैं सर से कि किधर जा रहे हैं हम लोग एक्चुअली, क्योंकि हम ऑलमोस्ट वो ब्रिज के नीचे आ गए, और ब्रिज के नीचे ना उस तरफ जाने से भांगा घर है थोड़ा टाइम में, और लगे हम लोगों को 7:30 तक मतलब उधर ही जाना ही है, यू नो रूम में जाना है, क्योंकि वहाँ पे 7:30 को डिनर मिलेगा। मेडिकल स्टोर पे क्यों, यहाँ पे शायद फास्ट फूड का स्टॉल है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं अभी। मैं घर आ गई, अरे वो डोरेमोन कहता था ना ऐसे, मैं घर आ गया। तो मेरे चप्पल कितना टक 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 बजता है। बीहू वेलकम। तो अभी रूम में जाके चेंज वगैरह करके डिनर करने आएंगे डायरेक्ट, तो चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। डिनर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्टार्ट होगा 7:30 बजे, बज रहे 7:20। ये सब तो बिल्कुल ही डाल दिए खाबो।